हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीकेसीई टिकिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीमैट 2022 का जो क्वांट सेक्शन है ना, उसके सारे सवाल। उन सवालों को मैं खुद सॉल्व करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी उन्हें सॉल्व करें और देखते हैं कि किसका इफेक्टिव सॉल्यूशन है। अगर आपका सॉल्यूशन ज्यादा इफेक्टिव है तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर मेरा सॉल्यूशन ज्यादा इफेक्टिव है तो उससे कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीकेसीई टिकिंग लेके आ चुका है अपना कैटिफाई प्रोग्राम फॉर कैट 2023, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सीमैट 2022 का क्वांट सेक्शन। हाँ तो भाई, पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:6 है, ठीक है। एवरेज मार्क्स गर्ल्स के दे रखे हैं 60 और टोटल क्लास के दे रखे हैं 62। तुमसे पूछा है एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज बताओ, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि जो रेशियो है वो है 4x मैंने ले लिया प्लस 6x, ये किसके बराबर है 50 के। x क्या हो गया 5। उसके बाद बॉयज और गर्ल्स का काउंट क्या आ गया, x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो बॉयज आ गए 20, गर्ल्स आ गया 30। अब अगली चीज ये करनी है, इसे एवरेजेस के फॉर्मूले में डालना है। 20 into a प्लस 30 into 60 upon 50 is 62। यहाँ से ये जीरो कॉमन आके कट गई, ये हो गया 3 1 10। 62 into 5 minus 180 by 2 is एवरेज, ये कितना हो गया, ये हो गया 130 by 2 which is equal to 65 is equal to a, आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 243 मीटर है, डायमीटर 4 mm है, यहाँ पे उसका कन्वर्जन का ध्यान रखना, ये मीटर है ये mm में है। वॉज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर, ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर, ठीक है, कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना हो गया 4/3 πr³, ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वो होगा एरिया इनटू लेंथ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक, बाय 3 πr³ इज एरिया पाए इनटू 2/10 का स्क्वायर इनटू 24300, ठीक है। 2/10 हमने इसे लिया क्योंकि ये डायमीटर जो है ये एमएम में था, इसे हमने रिस्पेक्टिव कन्वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, 4/3 πr³ इज इक्वल टू पाए स्क्वायर खोल दिया 4/100 into 24300, 00 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, पाए से पाए कट गया, आर क्यूब क्या आया 729 क्यूब, तो आर हो गया 9। हमसे क्या पूछा है, डायमीटर, डायमीटर हो गया 18 क्योंकि रेडियस क्या होती है डायमीटर की आधी, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि देयर आर 4 शीप्स जिसमें कि अनिल ने चलाया 24 फॉर 3 मंथ्स, विमल ने 10 फॉर 5 मंथ्स, चंपक ने 35 फॉर 4 मंथ्स एंड दामोदर ने 21 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा है अनिल शेयर है 720, फाइंड द टोटल रेंट ऑफ द पेशर, रेशियो का सवाल है, कैसे देखते हैं। ए बी सी डी, ए ने कितना चलाया 24 फॉर 3 मंथ्स, मतलब 24 इंटू 3 वर्क डन 72, विमल ने 10 फॉर 5 50, चंपक ने 35 फॉर 4 140, दामोदर ने 21 शीफ चलाई 3 मंथ के लिए तो 21 इंटू 3 63। उसके बाद क्या दे रखा है, अनिल का शेयर 720 क्या हो रहा है इंटू 10, तो सब में इंटू 10 होगा, रेशो होगा और उसमें खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1400, ये हो जाएगा 630। अब हमसे क्या पूछा है, टोटल रेंट ऑफ द पेशर, टोटल रेंट ऑफ द पेशर निकालने के लिए हम इन चारों को ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा, और ऐड कर ले रहे हैं, जीरो का जीरो रहेगा, फिर रहेगा 3 into 5। अब देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 50 आ गया, 50 ऑप्शन बी में, मारो और आगे निकल जाओ। अगला सवाल कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है 80% सेलिंग प्राइस का, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो है कॉस्ट प्राइस, हाँ तो मैंने अज्यूम किया सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 80 रुपीज़ हो गया। हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट इन परसेंटेज, तो क्या होता है SP minus CP upon CP into 100,
ये हो गया इनका डिफरेंस अपॉन सीपी इनटू 100 24.25% ऑप्शन बी आंसर। ठीक है सीधा क्वेश्चन था। तो ये अगला सवाल जो है वो प्रोबेबिलिटी में भेज दे, पता नहीं लोग क्यों छोड़ देते हैं इसे डर के, ये तो बढ़िया इजी सवाल आते हैं सीमेंट में तो प्रोबेबिलिटी के। आओ देखते हैं, एक बैग है जिसमें 15 रेड बॉल हैं 10 ग्रीन बॉल हैं, 3 बॉल निकाली हैं रैंडम, तो उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें से कि 2 रेड बॉल हों और 1 ग्रीन बॉल हो। ठीक है जी आओ समझते हैं इसे, इसे हम करेंगे कॉम्बिनेशन की मदद से। कैसे देख ले रहे हैं, 15 में से मैंने 2 बॉल निकाली और 10 ग्रीन बॉल में से मैंने 1 बॉल निकाली, टोटल मैंने 25 जो बॉल थी उसमें से 3 बॉल निकाली। ठीक है अब 15C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर तो होता ही नहीं है, सिंपल ट्रिक है 15 14 बाय 2। ये जो 15 है इससे नंबर हमें इतने कम लिखने हैं जितने की यहाँ मेंशन है, तो हमें लिखना है 15 14 बाय 2, मतलब कि ये इस पे डिपेंड करेगा कि हमें दो नंबर लिखने हैं कम वाले स्टार्टिंग फ्रॉम 15 बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो इसलिए 15C2 की वैल्यू आ गई 210 बाय 2। 10C1 हमें पता ही है 10 होता है, अब इसे पुट कर देंगे। और हाँ 25C3 निकलेगा हमारा, एक सेकेंड जगह बना लूँ थोड़ी सी, ये भी समझा दे रहे हैं कंसेप्ट। 25C3 ये निकलेगा आपका 25 24 23 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 × 4 24, 25 × 4 100 2300, ये आ गया हमारा 25C3 जिसकी वैल्यू हो गई 2300। अब सारी वैल्यूज हमें पता है, हम इस गिवन इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल देंगे, मतलब 210 बाय 2 इंटू 10C1 की 10, 25C3 की 2300 अभी बताई थी, 2 5 10, 10 से 10 गया, फिर ये कट जाएगा आपका 2, ये है आपका 230 बाय 5, ये आएगा 46, तो आ गया आंसर 21 बाय 46, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है इंपॉर्टेंट क्या था, ये इक्वेशन बनानी और उसके बाद ये सॉल्व करना कि इसे खोलते कैसे हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें कैलकुलेटर गिवन नहीं होगा। ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड। अ मैन बोरोज रुपीज 4050% CI, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक 1500 रुपीज, सो हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। ठीक है सबसे पहले क्या करते हैं, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, क्या है वो, जो प्रिंसिपल है वो इंटू 1 + 15/100 फॉर फर्स्ट ईयर। 15/100 क्या हो गया 3/20, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 1 2 3 इंटू 23/20, ये हो जाएगा हमारा, इससे कट गया तो ये हो जाएगा 4600, ये क्या हो गया 4600। अब 4600 में क्वेश्चन ने क्या कहा था, वो 1500 हर साल निकाल दे रहा है, तो 4600 - 1500 विच गिव्स मी 3100, फर्स्ट ईयर के बाद इतना अमाउंट बचा है। अब ऐसे ही अगले साल का निकालेंगे, तो एक बार नई स्लाइड ले ले रहा हूँ, अगले साल का 3100 इंटू वही 1 + 15/100, 15/100 क्या हो जाएगा 3/20, इस 0 से ये कट गया, ये होगा आपका 31 × 3/2, ये होगा 3565। अब इसमें से अगेन 1500 रुपये घटा देंगे तो 3565 - 1500 रुपये आएगा, ये आएगा आपका 1000 कहेंगे तो आएगा 2565 और उसमें से 500 गए तो 2065, ये आ गया 2065 आफ्टर सेकेंड ईयर इतना अमाउंट पे करना है। अब थर्ड ईयर का देख ले रहे हैं, आओ नई स्लाइड ले ले रहे हैं। हाँ जी सर थर्ड ईयर का अमाउंट था 2065, फॉर्मूला लगाया 1 + 15/100 से 5 3 20, ये हो जाएगा 2065 डिवाइडेड बाय 20 × 23। अब 2065 को मैं 5 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, 5 4 20 5 4 5 4 20 5 30 65,
ये आ गया 413 × 23/4। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 413 × 23 9, ये पॉइंट में जा रहा है, तो ये होगा आपका 413 × 23 9 4 × 8 20 carry 4 × 4 3 3 9 2 × 4 8 × 2, ये होगा प्लस 2, ये होगा आपका 9499 9499 9 4 9 9 by 4, ये होगा। अब यहाँ पे से सॉल्व भी कर लेना, अब इतना टाइम मुझे लग रहा है गलत क्वेश्चन उठा लिया हमने, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बाद में उठाना चाहिए था जब बचे हुए उनने सवाल कर लेते, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, कोई नहीं कर लेने से। 4 × 4 4 2 8 बचा 1, 4 × 4 3 12, तो ये आएगा 2 3, तो ये आएगा 2374.75। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें से 1500 रुपये माइनस कर लेंगे, सो 2374.75। अब तो 2374.75 माइनस 1500, ये होगा आपका 88 के करीब होगा, हाँ 1500 2300 और 1500, 8 के करीब का डिफरेंस है, तो मैं ऑप्शन मार्क करके बाहर आ जाऊंगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेशन से खेलूंगा, आखिरी में बचा 38 9 17, अब मल्टीप्लाई थोड़ी ना करूंगा, 8 9 72 72 × 4 डिजिट आएगी आखिरी में 4, उससे मैं मतलब नहीं है कि बाद में क्या है, 4 ऑप्शन में कहा है आखिरी में, ये है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, पूरा सॉल्व मत किया करो किसी भी एग्जाम में, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है अपने पे कि तुमने ऊपर का सॉल्व किया है सही से, तो सीधा बस यूनिट डिजिट देख लिया करो, अगर एक ही ऑप्शन है तो मार्क करो और आगे बढ़ो। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स हैं 20 ईयर, और उनका जो एज का प्रपोर्शन है वो है 2 3 5। ठीक है, तो एज ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड 2x + 3x + 5x = 60, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, 10x की वैल्यू हो गई 60, या फिर x की वैल्यू हो गई मेरी 6। एजेस क्या आ गई, इस वाले की आ गई 18 और 5x वाले की हो, डायग्राम बना लेते हैं इसका, ये डिस्टेंस 30 है लेंथ ऑफ लैडर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 है क्योंकि वो 1/3 है, हमसे पूछा है ये, पाइथागोरस लगाओ, रूट हो में आएगा 900 - 100। ठीक है, ये हो जाएगा रूट 800, ऑप्शन में चेक करो, 20 √2 आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। पाइप है जो कि फिल कर सकता है टैंक को 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप, एफिशिएंसी 1 और 3 का खेल हो रहा है, इफ 2 pipes टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 36 minutes, तो पूछा है स्लोअर पाइप कितना टाइम लेगा पूरे उसको भरने में। ठीक है, तो मैंने एफिशिएंसीज ले ली x की टर्म्स में, हमसे पूछा 3x फॉर पाइप 1 वुड बी इक्वल टू x ऑफ पाइप 2। ठीक है, सो p1 बाय p2 की क्या वैल्यू आ गई, p1 बाय p2 ये आ गया 1/3। अब हमें दे रखा है कि दोनों मिलके 36 मिनट्स लेते हैं टैंक को फिल करने में, तो मैंने लिखा 4x × 36, ये हो गया 144x पूरे टैंक की कैपेसिटी। हमसे पूछा स्लोअर वाला कितनी देर में फिल करेगा, स्लोअर वाले की एफिशिएंसी है x, सो 144x / x, x से x कट गया, 144 मिनट्स, मतलब जो स्लोअर पाइप है वो लेगा 144 मिनट्स उस पूरे टैंक को फिल करने के लिए। आओ अगला सवाल देखते हैं। एक बैग है जिसमें है 6 red ball 11 yellow ball और 5 pink ball, तो पूछा है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग कंसेक्यूटिवली 1 after another। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल ड्रॉन वाज रेड एंड सेकंड बॉल ड्रॉन वाज येलो इन कलर। ठीक है, तो पहले टोटल कर ले रहे हैं, 6 + 11 + 5 5 6 11, 22 balls हो गई जो हमारे पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है। उसके बाद जो रेड बॉल्स हैं वो है प्रोबेबिलिटी उसमें 6/22, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एक बॉल हम निकाल चुके हैं उसके बाद निकालिए दूसरी, तो वो हो गई 21, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि पहले रेड निकाली है उसके तुरंत बाद कौन सी निकाली है, येलो। अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है जी, 6/22 × 11/21, 11 2 3 2 7, 1/7 हो गया हमारा आंसर सॉल्व करके, आंसर इज ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि x + y की वैल्यू 3 है, x / 2 है,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसमें मैं थोड़ा हिट एंड ट्रायल कर लूंगा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, वरना मैं पूरा आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करता। एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है सर? 3 दे रखा है। एक्स और वाई के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। तो अब एक्स वन हो गया, वाई टू हो गया, या वाइस वर्सा, एक्स टू हो गया, वाई वन हो गया। हमसे क्या पूछा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब विच इज इक्वल टू 9। करते रहो, कहानी बनाते रहो, आइडेंटिटी सॉल्व करते रहो। यहाँ सॉल्व हो गया, हिट एंड ट्रायल से किया, 1 2 ले लिया, जिनका सम 3 है और प्रोडक्ट 2 है। उसके बाद बस सीधा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में पुट करके आंसर आ गया ऑप्शन डी। अब अगला सवाल देखते हैं। या डेटा इंटरप्रिटेशन, कंपनीज का डेटा दे रखा है ए से लेके जी तक, जो कि टोटली प्रोड्यूस कर रही है 1500 यूनिट्स। अब सीमैट, सीटीआई, इस टाइप के एग्जाम्स में कैट को छोड़ के ऑप्शंस डाल के देख लिया करो कि उनसे आंसर आ जाए, इससे तुम्हारा टाइम बचेगा, क्योंकि एक या दो सवाल होते हैं और इसके लिए टेबल बनाना पूरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है उस एग्जाम में जिसमें कैलकुलेटर भी गिवन ना हो। तो हम भी इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पाई चार्ट में सबकी परसेंटेजेस दे रखी हैं रेंजिंग फ्रॉम ए टू एफ। अब ऑप्शंस क्या है? चूज अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑप्शन बिलो, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बी एन सी ट्रू है, बी एन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो देख ले रहे हैं कंपनी बी एन एफ आर प्रोड्यूसिंग लेस देन 250 यूनिट्स। पहले से सॉल्व कर ले रहे हैं बी एंड एफ, बी एंड एफ इनका सम क्या हो गया? 16%। तो 16 × 1500 / 100 इससे ये गया, तो 16 × 15 का प्रोडक्ट, 16 × 15 हो गया आपका 240। तो ये तो ऑप्शन ट्रू हो गया ऑप्शन बी, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज ट्रू। तो पहला हो सकता है, अभी स्टेटमेंट सेकंड भी चेक करना है जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि कंपनीज सी एंड ई प्रोड्यूस करती हैं 705 यूनिट्स। कंपनी सी एंड ई कौन सी है? वाली एंड ये वाली। ये हो गया 47% फॉर 1500 / 100। इससे ये कट गया, इसका ऑप्शन क्या था? 705 यूनिट्स, 47 × 15 हो गया 470 प्लस 47 × 5, ये हो गया आपका 705 हो गया ये। मतलब कि ऑप्शन सी भी ट्रू है, अब ऑप्शन बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, मतलब कि ऑप्शन वन हो गया हमारा आंसर। बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही टेबल बनाने की जरूरत है। इसमें बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखना कि कैसे तुम कम से कम टाइम में कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो आओ अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि 1/x इज पॉजिटिव फ्रैक्शन, 1/y इज नेगेटिव फ्रैक्शन। फिर कह रहा है कि इनमें से गिवन कंडीशंस में से कौन सी ट्रू है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सबसे बढ़िया सॉल्व करने की ट्रिक है कि ऑप्शन से सॉल्व करना चालू करो, बजाय उसके कि आप फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हो, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग कर रहे हो, उसके बाद एक सुंदर सा आंसर निकाल रहे हो। हम भी क्या करेंगे? ऑप्शंस की मदद से सॉल्व करेंगे। अगर ऑप्शन सेटिस्फाई कर जा रहा है कंडीशन, तो वही आंसर है, वरना फिर क्रॉस मार के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। आओ बताता हूँ कैसे। 1/x पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि 1/x क्या है? 1/2। फिर 1/y नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि -2 होगा, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कि बी एन सी ट्रू है। बी कंडीशन क्या है? कि 1/x माइनस 1/y इज पॉजिटिव, से 1/2 माइनस माइनस 1/2, ठीक है। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो ये तो पॉजिटिव है, मतलब ऑप्शन बी तो ट्रू है हमारा। आओ चेक करते हैं कंडीशन सी। कंडीशन सी कह रहा है कि x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज नेगेटिव। x क्या था? 2। y क्या था? -2 अपॉन 2 × -2, ये हो जाएगा हमारा 4/-4। तो ये नेगेटिव है, मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मतलब ऑप्शन है आंसर है, बी एंड सी आर ट्रू। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं अब, ठीक है। आओ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कंडीशन स्टेटमेंट पे बेस्ड है, आओ सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दो सेट है, कितने नंबर का? 3 + 2 = 5, 8 नंबर का सेट है जिसका अर्थमेटिक मीन 9 है। इसमें मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर क्या है? 8। तो हमसे पूछा है कि a प्लस बी का जो प्रोडक्ट है वो 120 है क्या? आओ देख ले रहे हैं, पहले सेट के नंबर्स को ऐड कर ले रहे हैं, 7 + 8 = 15 + 9 = 24 + 10 + 8 = 7, ये हो गया 49। तो 49 प्लस a प्लस b अपॉन कितने नंबर का सेट था? ये 8 नंबर्स का, ये किसके इक्वल है? 9 के। तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो गई? 72 - 49 हो गया, 72 - 49 मतलब कि 23, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है कि दो नंबर जिनका सम 23 हो और जिनका प्रोडक्ट 120 हो, कौन से ऐसे दो नंबर हैं? सर 15 और 8 होंगे नहीं होंगे, तो मतलब ये कंडीशन तो ट्रू है, तो मतलब स्टेटमेंट वन ट्रू है। आओ स्टेटमेंट टू चेक कर ले रहे हैं अगली स्लाइड में।
स्टेटमेंट टू कह रहा है कि दो नंबर है ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी का जो सॉल्यूशन है वो है 84 और ए प्लस बी का सम है 20। तो हमसे पूछा है इन द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है जी, देख ले रहे हैं या नहीं। तो ए प्लस बी प्लस ए बी इज 84, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 64, ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी 20। तो दो नंबर्स जिनका सम 20 हो और प्रोडक्ट 64 हो। अब देखो 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, 2 पावर 4 16, 2 स्क्वायर 4, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 64, दोनों का सम 20। स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ये हो गया हमारा आंसर। आओ अगला सवाल देख ले रहे हैं। अगला सवाल अगेन डीआई टाइप डेटा में बेस्ड है। तो उसमें दे रखा है कि दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और ये कॉम्पिटिशन्स का डिटेल है, स्विमिंग डांसिंग ये सब। ठीक है, अ टोटल ऑफ 3000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें से कि 750 गर्ल्स हैं, तो मतलब 1250 क्या हो गए बॉयज। ये एकदम क्लिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसे लिखने के लिए अलग से पेन एंड पेपर यूज कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अब क्या करना, ये टेबल गिवन है और उसके हिसाब से हमें ये मैच करना है ऑप्शंस में। तो पहले ऑप्शन से देखते हैं। अब इसमें अब ये तो है नहीं कि तुम सब कुछ सॉल्व करोगे, इसमें एक चीज देखो कि कौन सा ऑप्शन पे मैक्सिमम रिपीट हो रही है वैल्यूज, मतलब डी का 1 यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, तो मतलब डी और 1 इनका हो सकता है कि कुछ एक कनेक्शन हो जब ये मैक्सिमम टाइम्स रिपीट कर रखा है एग्जामिनर ने। ठीक है, देखते हैं कैसे। स्टेटमेंट डी कह रहा है कि गर्ल्स इनरोल्ड इन डांसिंग एंड हैंडीक्राफ्ट, दोनों का सम कितना हो गया गर्ल्स के रेशो में 42%, 42 ऑफ 1750 बाय 100। ये कट गया आपका, ये हो गया 2 से जाएगा 21.5 एंड 175 बाय 5 वुड गिव मी 35 और 35 इंटू 21 वुड गिव मी, आखिरी में 5 आएगा, एक बार सॉल्व कर ले रहा हूँ मैं फटाफट। 5 into 5 21 into 5 हो गया 105 into 63, ये आएगा 735। मतलब डी जो मैच कर रहा है 1 के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब डी 1 तो ट्रू है, तो ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट। ठीक है, अब अगली कंडीशन देखते हैं जिसमें कुछ मैच कर रहा हो। C4 के साथ इसमें भी जा रहा है, C4 के साथ इसमें भी जा रहा है, बी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, तो सी के साथ 4 चेक करते हैं। सी कंडीशन है गर्ल्स एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड ड्रॉइंग टेकन टुगेदर, सी के साथ कौन है 4 इज 770, चेक कर ले रहे हैं। सिंगिंग एंड ड्रॉइंग, सिंगिंग ये आपका, ड्रॉइंग ये इज 770। ठीक है, सिंगिंग एंड ड्रॉइंग हो गया ये 44%, 44 ऑफ 1750 बाय 100। ठीक है, 175 का हो गया 35, 175 बाय 5 हो गया आपका 35, ये हो गया 2, ये हो गया 22, तो 35 इंटू 22 कर ले रहे हैं फटाफट, 35 इंटू 270, ये हो गया 770, मतलब कि ये भी आपका ट्रू है। सी 4 है, डी 1 है, इसका मतलब बी तो पहले एलिमिनेट था, सी भी एलिमिनेट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ए या तो 3 है या फिर ए 2 है। अब यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो, ए का तुम चेक करने बैठे तो तुम्हें बॉयज का डेटा निकालना पड़ेगा पहले, 1 to 50 अलग से टेबल बनेगी, इसके बजाय तुम गर्ल्स का चेक करो ऑप्शन बी वाले से, अगर ये ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर जाता है तो ऑप्शन ए आंसर है, वरना फिर ऑप्शन डी आंसर है। आओ देख ले रहे हैं, बताता हूँ कैसे। इसमें कह रहा है कि ऑप्शन बी के साथ 3 लिंक है, ऑप्शन बी के साथ 3 लिंक है, एक बार देख ले रहे हैं। गर्ल्स एनरोल्ड इन स्विमिंग एंड डांसिंग, स्विमिंग आपका ये है, डांसिंग टेकन टुगेदर आर 505, तो ये हो गया स्विमिंग प्लस डांसिंग हो गया आपका 34%, 34 इंटू 1750 बाय 100। ठीक है, ये हो गया आपका 35 to 17, अब इसे 17 इंटू 35 हो गया 17 5 35 85 plus 1, ये हो गया 595, मतलब ये ऑप्शन गलत है, होना क्या चाहिए था 505, आ कह रहा है 595, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। समझे, इन क्वेश्चंस में ऐसे सॉल्व किया करो मैक्सिमम वाले को देख के कि मैक्सिमम टाइम्स ये ऑप्शन रिपीट कर रहा है, तो हो सकता है एग्जामिनर ने इस थिंकिंग के हिसाब से किया हो कि एक आध में चेंज कर दे रहा हूँ बाकी सेम कर दे रहा हूँ, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो इसमें इस टाइप से सॉल्व करना, और बॉयज का मत निकालना, ऑप्शन से सिर्फ गर्ल्स का डेटा सॉल्व करने की कोशिश करना, बॉयज का निकालने जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हें। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा एवरेज स्पीड पर। विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर अ ट्रेन रीचेज डेस्टिनेशन इन टाइम,
इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 36 मिनट्स लेट। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन का ध्यान रखेंगे, मिनट और आवर्स का। अब 40 के हिसाब से जा रही है तो वो डी डिस्टेंस कवर कर रही है टी टाइम में, फिर 30 के हिसाब से जा रही है तो वो पहुँच रही है 36 मिनट्स लेट, मतलब कि 6/10। ठीक है, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 30 = 5d/5t+3। ठीक है, 5 6 30, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 30t+18 = d। ये हो गई एक इक्वेशन, एक d की वैल्यू यहाँ से भी तो आ सकती है, d की वैल्यू 40t है, तो 30t+18 = 40t। ठीक है, स्लाइट चेंज, तो 10t = 18 और t would be equal to 9/5। अच्छा जी, अब हमसे क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन वुड बी 40 × 9/5, ये हो गया 8 = 72 किलोमीटर्स। ठीक है, ये 40 कहाँ से आया, ये जो 40 = d/t जो पहली सबसे पहली इक्वेशन बनी थी वहाँ से, हमारे पे t आ गया था तो हमने d निकाल लिया 40 × t से मल्टीप्लाई करके, ऑप्शन ए हो गया आंसर। अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि SA और MA का जो मेल वर्क फोर्स है वो कितना परसेंट है टोटल वर्क फोर्स इन PT सेक्टर। इसका मेल वर्क फोर्स हो गया 450 + 540, ये हो गया हमारा 990। PT सेक्टर में टोटल वर्क फोर्स कितना है, टोटल वर्क फोर्स है 1140, तो 990/1140। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर तुम्हें पूछा हो कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो क्या करना, A को ऊपर B को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इससे आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पूछा है तो यहाँ पे भी तो हमने ये किया, 990 ऊपर 1140 नीचे इंटू 100, इसे सॉल्व करना, जीरो कटेगी फिर कुछ कटेगा और आंसर आ जाएगा 87%। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन चाह के भी नहीं निकाल सकते पहले डिजिट से, क्योंकि सबकी पहली डिजिट क्या है, 8888, तो सब कुछ तुम्हें सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये टिप है जिसे कि तुम ध्यान रख सकते हो एग्जाम टाइम में सॉल्व करते हुए। हाँ जी, अगला सवाल बता रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इन SA&MA एंड टोटल नंबर ऑफ वर्क फोर्स इन PT सेक्टर। ठीक है, तो सारी वैल्यू से तुम्हें गिवन है, फीमेल वर्क फोर्स इन SA&MA कितनी हो गई, 270 + 720, ये थाउजेंड्स में है, इसे मैंने लैक्स में लिख दिया, तो 2.7L + 7.2L = 9.9L। फिर फीमेल वर्कफोर्स इन PT सेक्टर, PT सेक्टर में फीमेल वर्कफोर्स है 427.5, ये थाउजेंड्स में है, इसे मैंने लैक्स में लिख दिया, तो 4.275। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, 9.9 - 4.275, ये हो गया 5.625, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन से जाएं तो ये वाला आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी साहब, अगला सवाल वही परसेंटेज वाले फॉर्मूला पे, द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन SE and PR टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल वर्कफोर्स इन CM सेक्टर। ठीक है जी, फीमेल वर्कफोर्स इन SE and PR ये कितना है, 360 + 630, कितना हो गया, 990। मेल वर्कफोर्स इन CM ये कितना है जी, ये है जी 300, तो ये हो गया 300। अब A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, फॉर्मूला क्या बताया था, A/B × 100, यहाँ भी वही करेंगे, 990/300 × 100, ये यहाँ से 3 से चला जाएगा और फिर ये 330, तो ये आ जाएगा 330, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो यार ये सवाल थे CMAT 2021 के क्वांट सेक्शन के, सारे के सारे 20 सवाल हो चुके हैं। स्ट्रेटेजी मैंने तुम्हें बता दी कि मैं कैसे सॉल्व करता ऑप्शंस को लेके और बिना ऑप्शंस को लेके, जिससे कि मेरा टाइम बच सके और ये टाइम मैं GK और इनोवेशन वाले सेक्शंस में दे सकूं। ठीक है, अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक लॉजिकल सेक्शन जो है CMAT का, उस पर भी एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए CMAT के पेपर से पहले कि आखिर सॉल्व कैसे करना है और 350 तक का टारगेट कैसे मांगना है। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो किसी बुक्स मॉक्स या शॉर्टकट को रिलेटेड, तो गिवन नंबर्स पर कॉल कर लेना और CKCET की टीम तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।